का सुना बा भेजा। हाँ अस्सलाम वालेकुम नहीं होता बात में। हाँ अस्सलाम वालेकुम कौन बोल रहे? जी जी बोलो जी। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हो? जी हमारे भाई हैं एक मजहर भाई बेंगलोर से, उन्होंने आपका नंबर दिए। जी जी जी। तो वो बोले थे कि तरावी के मसले पे बात करना है, तो आप कर सकते हो उनसे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके नजदीक वित्र तहज्जुद एक है, फिर भी आप ये बोलते हो कि तरावी तहज्जुद वित्र सब अलग नमाज है, ऐसा क्यों? किसके नजदीक है? जो लोग 20 पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि तरावी तहज्जुद वित्र तीनों अलग नमाज है, जबकि उनके नजदीक तीनों एक ही है उनके अमल से भी। कौन बोला आपको? कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है? जी देखिए, एक हदीस है सही बुखारी किताबुल वित्र, पहली बोले मसना मसना फ़ाइज़ा ख़शिया अहदुकुम सुबह सल्ला रकअतन वाहिदतन उतीरु लहु मा फ़सल्ला। कि रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया रात की नमाज कैसी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज दो दो रकात है, फिर जब कोई सुबह हो जाने के डर से एक रकत पढ़ दे तो वो उसकी सारी नमाज को वित्र बना देगी। यानी आदमी दो रकात पढ़ा, आठ रकात हुआ, एक रकात पढ़ लिया तो नौ हो गई, तो क्या हो गई? अच्छा, वो इसी हदीस। अच्छा, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सहाबी देखो, एक होता है कुरान, दूसरा होता मेरा, है कुरान की तफसीर। मेरा सुनो सुनो, इधर मेरी बात सुनो ना, मैं आपकी सुना ना पूरी हदीस। नहीं, मेरी पूरी नहीं हुई ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। सुनो इधर, एक होती है कुरान, एक होता है कुरान की तशरीह जैसे तफसीर, जिसे हजरत अब्बास तफसीर करे, जैसे तफसीर इब्ने कसीर में अब्दुल्ला जुनागुड़ी आपके ही आलिम है वही तफसीर करे। पैगंबर के अमल को, पैगंबर के अमल की तफसीर सहाबा होते हैं। किसी सहाबी ने कोई अमल किया हो उसको बताओ। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, और एक एक बात बोलता हूँ आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रमजान में पूरे महीने तरावी जमात के साथ पढ़ी हो, ये बताओ। और पूरा, और जो घर के अंदर नमाज पढ़े उनकी तादाद कितनी थी वो भी बताएं, ये बताओ। जी वो भी बताएं, लेकिन अभी फिलहाल तो आपका नहीं बता सकते। कयामत की सुबह आ सकती है, जिस रात पैगंबर अलैहिस्सलाम घर के अंदर गए थे दूसरे सहाबा को मस्जिद में बिठाकर, कयामत की सुबह आ सकती है। पहले हदीस हजरत उसकी तादाद नहीं बता सकते। मैं बुखारी का हाफिज हूँ, मैं मुस्लिम पढ़ा हूँ, सब हूँ। रमजान में और गैर रमजान में एक होती थी, ये हदीस नहीं ले रहा हूँ मैं। अरे रमजान में और गैर रमजान में ये हदीस दूसरी है जो सुना रहे, आधी हदीस में काट के मैं पूरी सुना रहा हूँ, समझो। पहले रमजान और गैर रमजान हदीस पढ़ा था, जो सहाबा मस्जिद में बैठे थे अल्लाह के नबी घर के अंदर जाकर कितने रकात पढ़े थे। परेशान क्यों हो गए? तरावी और वित्र तहज्जुद एक साबित होने लगी आपके नजदीक? मुझे पैगंबर के कितने रकात तरावी पड़े उस रात, हजरत आयशा ने मस्जिद में बैठी ना अला इहदा अशरत रकातन, हजरत आयशा ने सराहत कर दी। सही मुस्लिम की भी रिवायत है, बुखारी की भी, ईशा से लेकर फजर तक, ईशा से लेकर फजर तक अल्लाह के नबी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते पढ़ते थे। ये गैर रमजान की है, पूरा साल की हो गई, पूरी साल की हो गई। अरे पूरी साल की हो गई, आपने बोले चौथे दिन नहीं पढ़े रमजान में, पूरे रमजान का भी और साल का भी हो गया। अरे भाई सुने ना, अब आप तो मैं सबसे बड़े मुहज्जब आदमी होंगे, थोड़े दलील दे रहा हूँ करेंगे। सुनो सुनो सुनो, मैं ये बात में दलील दे रहा हूँ, वो छोड़िए ना, उसके बाद करेंगे ना अपन। नहीं 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 नहीं, 11 क्या फरमाते हैं हजरत? ऐसा क्या फरमाते हैं? रमजान में 11 रकात होती थी, फिर 13 रकात वाली भी सही हदीस है, उस हदीस को आप झूठी कहोगे? नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, उसमें 2 रकात सुन्नत की शामिल है। आपके यहाँ वो झूठी है क्योंकि आप नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ के घर चले जाते थे, और रात में वो 2 सुन्नत ईशा की पढ़ते थे, तो ईशा की 2 सुन्नत पढ़ने से 13 होती है। जब हजरत आयशा की रिवायत को तुम पढ़कर 11 बोलते, अभी आप बोले, आपका रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ, शायद आप भी कर रहे हैं। हाँ, आप बोले जो 13 रकात वाली है सही है या झूठ है? ईशा की 2 सुन्नत है ना, आप मिला रहे हैं उसमें? नहीं, हजरत आयशा नहीं मिलाई है भाई, हजरत इतना पास में मिलाए हैं, आपने एक ही रिवायत की है, 11 रकात है। अरे अल्लाह के बंदो, दूसरी रिवायत हजरत अब्बास की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ के फौरन घर चले जाते, फिर 4 रकात पढ़े। अल्लाह के रहम, मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपके आगे मैं दिया ना, मैं फजर की 2 सुन्नत भी आती है, जो 15 वाली रिवायत है, 15 वाली है, उसमें फजर की 2 सुन्नत आती है, ईशा के बाद की 2 सुन्नत। नदीम खान, नदीम खान आप इतना बताए, जिस रात सहाबा
मस्जिद में बैठे थे, अल्लाह के नबी सल्लम आए नहीं इंतजार करने के बावजूद, उस रात अल्लाह के रसूल सल्लम कितने रकात वहाँ अंदर पड़े थे, यह हदीस लेकर उसके बाद मुझे कॉल करो। ग्यारह रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी, हजरत आयशा की हदीस है, रमजान हो या गैर रमजान, ये मुतलकन दावा है। वो उसमें आ गया दो दिन, वो उसमें आ गया उस दिन अंदर जाकर, इतना भी नहीं है हदीस में, उस दिन अंदर अल्लाह के नबी सल्लम जाकर नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, इतना भी जिक्र आप कैसे कह सकते हैं अपनी जुबान से? एक हदीस से पूरे दिन का मसला नहीं निकाल सकते आप। पहले हदीसों को जमा करो, पूरे हदीसों को, उसके बाद मुझसे बात करो। जब आप बोलोगे एक हदीस से नहीं।